आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार उत्तराखंड भाजपा 21 जनवरी से पहले घोषित करेगी प्रत्याशी, चुनाव का रोड मैप तैयार। पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में चाकू लहराने पर मुकदमा दर्ज, कब्जे से चाकू बरामद। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की, उत्तराखंड में 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 10 मार्च को आएगा नतीजा। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक बंद हुए 12वीं तक के स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, भारत में आज 1.5 लाख से ज्यादा मामले आए सामने 24 घंटे में, 327 मौतें। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, आप देख रहे हो उत्तराखंड बुलेटिन। रुक करते खबरों की तरफ। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पिछले 5 साल भाजपा के शासन में मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, उनके हकों की अनदेखी की गई, इससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हुई है। राजपुर रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ की ओर से चुनावी शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित एवं कामगार कर्मचारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज और हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा कि उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के श्रम विभाग की ओर से सिर्फ एक वर्ग विशेष और पंजीकृत मजदूरों को राशन की किट बांटी गई है, अन्य क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर जो पंजीकृत नहीं थे उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है। चुनावी संग्राम शुरू होने के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने चुनावी ताल ठोक दी है। प्रेस वार्ता कर रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शीघ्र संचालित होने वाली बात कही है। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद एक हफ्ते के भीतर नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम मान्यता के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का दौरा करेगी और इसी सत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा विधानसभा में ऐतिहासिक काम करने का दावा किया है। चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। देखो, चुनावी घोषणा 2017 में जो मैंने की थी, आप सबके आशीर्वाद से वो सब पूरी हुई है। वो पानी की योजना हो, पानी 8 एमएलडी कुटर लाता था, आज 8 एमएलडी पानी हम और ले आए हैं और 5 एमएलडी पानी का शासनादेश हो गया, 26 करोड़ 82 लाख रुपए का हमारे फिर से मेरे को पैसा मिल चुका है। शिवल लाइन हम बनाना चाह रहे हैं, शिवल का पैसा हमको मिल गया, टेंडर हो गया, 13-14 करोड़ का टेंडर उसका हो गया है। और उसके साथ ही साथ हमारे रोडों का, हमारा जाल बिछड़ा जगह जगह हम रोडों का निर्माण कर रहे हैं, 24 रोडें हम बना चुके हैं, 8 रोडों में DPR बननी है और वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के संबंध में हम कहें तो स्वास्थ्य के संबंध में मेडिकल कॉलेज शीघ्र ही चलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री ने हल्द्वानी में आकर के अपनी सभा में कहा था, जल्दी अल्मोड़ा के हम मेडिकल कॉलेज को चालू करेंगे और भारत सरकार ने NMC को तत्काल निर्देशित किया है, शीघ्र उसका निरीक्षण करके मेडिकल कॉलेज के। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर में उपजिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का आभार भी जताया और कहा कि सीएम ने तमाम मानकों में ढील देते हुए सोमेश्वर के अस्पताल को सीधा उपजिला चिकित्सालय बनाया है, जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अभी तक ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 10 बैंक की क्षमता के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए इसको उच्चीकृत किया जा रहा है। भविष्य में इस अस्पताल को 100 बेड की क्षमता वाला अस्पताल बनाया जाएगा। सोमेश्वर में
रामेश्वर उप जिला चिकित्सालय के रूप में आज परिवर्तित हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में 10 बेड के रूप में इसकी स्वीकृति कराई। उसके उपरांत मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बड़ा अनुरोध किया और माननीय मंत्री जी धन सिंह जी से भी बड़ा अनुरोध किया कि उसमें हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही है। उसके बाद मैं इसे 50 बेड का और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार जो है ये 100 बेड के अस्पताल के रूप में परिवर्तित होगा। निश्चित रूप से जितने पद सृजित किए गए हैं उससे ये साफ होता है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अच्छी और मजबूत और स्वस्थ और होंगी। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि महिलाएं अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान रहती थी, सिटी स्कैन के लिए परेशान रहती थी, किसी टेस्टिंग के लिए परेशान रहती थी, तो वो मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में ये चुनाव है, अब इस चुनाव के पीरियड के उपरांत में जैसे जैसे यहाँ पर नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएंगी तो निश्चित। भाजपुर में बेरिया दौलत गुरुद्वारा सिंह सभा से नगर कीर्तन को गजरौला गुरुद्वारा नानकसर ठाठा के प्रमुख सेवादार बाबा प्रताप सिंह द्वारा कीर्तन को रवाना किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा राणा रंजीत सिंह बाबा प्रताप सिंह द्वारा एसडीएम कोर्ट के पास 5 प्यारों का सरोपा भेंट कर उनका स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई, प्रसाद भी वितरित किया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बेरिया दौलत से होते हुए शहर में भव्य नगर कीर्तन का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें शामिल पंच प्यारे और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सुंदर झांकियां बाजपुर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। वहीं नगर कीर्तन के आगे पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित श्रद्धालु भी श्री निशान साहिब लेकर नंगे पांव नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाते नजर आए। नगर कीर्तन बेरिया तिराहे शहीद भगत सिंह चौक मेन रोड होते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा पहुंचा, स्थित गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुआ। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे बेरिया से चल के बाजपुर सिंह सभा गुरुद्वारे में नगर कीर्तन पहुंचेगा और सारी संगत यहां गुरु ग्रंथ साहब जी का हमारे दशमेश पिता का पर्व है उसके बधाई देते हैं सभी को और उसका स्वागत करने के लिए पांच प्यारों का, गुरु साहब का, सारी संगत का और सारी संगत का मैं धन्यवाद करता हूं जो सारी संगत यहां पे खड़ी है स्वागत करने के लिए। नरेंद्र नगर विकास खंड के कोटेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित गो तीर्थ धाम में एक सप्ताह से चला आ रहा ज्ञान यज्ञ का समापन हवन पूर्णाहुति के साथ किया गया। गौ माता के पालन परवरिश के प्रति आम जनमानस की श्रद्धा बढ़े, कोरोना ओमिक्रोन जैसी महामारी से दुनिया को छुटकारा मिले, संपूर्ण जगत में सुख शांति का वातावरण कायम रहे, ईश्वर से इसी मनोकामना के साथ कोटेश्वर स्थित गौ तीर्थ धाम में ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। गौशाला संस्थापक गिरजा कर विजिलवाण का कहना है कि जो वो निजी संसाधनों से ही गायों का भरण पोषण करते आ रहे हैं, गौ माता की ठीक से देखभाल हो सके इसके लिए अनेकों बार सरकार से लिखा पढ़ी भी की गई है, मगर प्रतिदिन प्रति गाय 5 के अलावा सरकार का अभी तक कोई अन्य सहयोग प्राप्त नहीं है। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज से 14 साल पहले यहाँ पर स्वामी विशुद्धानंद जी ने इस गौशाला की स्थापना करी थी। आज इस गौशाला को चलाने में मैं संचालन का काम कर रहा हूँ और इस गौशाला में आज 153 गाय मौजूद हैं जिसका भरण पोषण हम स्वयं के संसाधनों से और सरकार के द्वारा प्रति गाय 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और बाकी स्वयं के संसाधनों से हम इस गौशाला को चलाते हैं। बाकी इस भागवत करने का मूल उद्देश्य हमारा यह है लोग गायों के प्रति प्रेरित हों और गायों को रोड़ों पे न छोड़े, गौ सेवा करें। घंटाकर्ण एवं कोटेश्वर धाम की भूमि में एक कोटेश्वर भागीरथी नदी के तट के ऊपर गौशाला है और इसमें हमने एक गौ भावक रखी जो प्रधान संगठन एवं गौशाला की टीम के द्वारा रखी गई। इसका मेन मकसद हमारा जो था कोविड-19 जैसी बीमारी जो आज दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है और कोविड-19 का दूसरा रूप आ गया, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे ये बीमारी से सब दूर रहे और इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महादेव एवं भागीरथी नदी के तट पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष एवं पालकोट के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक गौ कथा का आयोजन किया गया है जिसमें गौ कथा का मुख्य उद्देश्य जनमानस की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए किया गया है। इसमें हमें सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं वैश्विक महामारी से निजात पाने और गाय जिसे हम गौ माता के रूप में मानते हैं
उसके प्रति हमारी और ज्यादा श्रद्धा बढ़े, इसको लेकर के बहुत तीर्थ धाम कोटेश्वर में ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। इस ज्ञान यज्ञ में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और आयोजकों को इसके लिए बहुत साधुवाद धन्यवाद दिया है। लोगों ने मांग रखी है कि गाय जिसका दूध पीकर के लोग उसको सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं, गाय को हम संरक्षण कर सके इसके लिए सरकार को न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि जो यहाँ धाम में गौशाला है उसमें 153 गायें वर्तमान में हैं और सरकार केवल 5 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से मदद के तौर पर देती है। ये मदद को बढ़ाने की मांग यहाँ के लोगों ने और समिति ने की है जो यहाँ गौशाला को जो चला रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हमें कोरोना से निजात मिले, गायों के प्रति हमारी और श्रद्धा और आस्था बढ़े। देखते हैं कि सरकार इसमें क्या मदद करती है, ये देखने की बात होगी। देहरादून जिले में संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने दून मेडिकल कॉलेज एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चस्पा करवाए, संक्रमण से सतर्क रहने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस लहर को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए जनपद में ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति की जरूरत है। साथ ही वर्तमान में जनपद में 40 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जनपद में संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन किट जल्द से जल्द पहुंचाने की रणनीति रहेगी और सैंपलिंग की संख्या 5,000 से 6,000 प्रतिदिन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ डॉक्टर सहित संबंधित चिकित्सक एवं कार्मिक मौजूद रहे। मैंने जो वास्तविक स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसका भी जायजा लिया और लगभग अभी फिलहाल 17 पेशेंट्स हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं और टोटल कैपेसिटी दून की है 600 बेड्स की है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 17 पेशेंट्स वहाँ पे एडमिटेड हैं। और कर्सरी ग्लांस पे ये लग रहा था कि पेशेंट्स ठीक हैं, नॉर्मल हैं, सिम्टम्स फिलहाल माइल्ड हैं। और यहाँ पे कोरोनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल कोई पेशेंट कोविड पेशेंट इन्फेक्टेड यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन उन लोगों को होम आइसोलेट करा दिया गया है। और हमारी स्ट्रैटेजी इस थर्ड वेव में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स घोषित करें। लगभग हमने अभी 40 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में घोषित किया हुआ है जहाँ पे क्लस्टर स्प्रेड हुआ है और यही स्ट्रैटेजी हमारी आगे रहेगी। और होम आइसोलेशन किट्स जो हैं तत्परता से जल्दी जैसे ही पेशेंट इन्फेक्ट हो जाता है टाइमली उनको पहुंचाना, ये भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और अभी फिलहाल हमने टेस्ट की चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां के थाना थराली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में देवाल तिराहे से चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 1.5 किलो चरस बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों युवक देवाल विकासखंड के हिमनी घेस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई चरस की कीमत लगभग 2,25,000 आकी गई है और थाना थराली पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और गिरफ्तार दोनों युवकों द्वारा चरस की इस बड़ी खेप को यहां से लाया गया और यहां ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस द्वारा पूछताछ जारी है और थाना थराली द्वारा अवैध रूप से नशे की इस बड़ी खेप की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा पुलिस टीम को पंजीकृत करने की भी घोषणा की गई है। हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा देवाल तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी जहां पर 2 व्यक्तियों को उनके द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इस काम के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 की राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और जिस प्रकार की जानकारी इनसे प्राप्त होगी। रुड़की के धनौरी स्थित बावंदर पुल पर बर्फ जैसा नजारा देखने को मिला है जहां राहगीर भी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। साथ ही राहगीरों का कहना है कि ऐसा नजारा मसूरी में देखने को मिलता था जो आज धनौरी में मिल रहा है। आज हम रुड़की के धनौरी स्थित बावंदर पर पहुंचे हैं। यहां पर
एक आज अजीब ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जो कभी पहले पहाड़ों में देखा करता था। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि यह एक अजीब नज़ारा किस प्रकार का है। दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। यह नज़ारा पहले कभी पहाड़ों पर देखने को मिलता था, लेकिन आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि आज यहाँ पर अनेक जहरीन देखने को भीड़ लग रही है। यहाँ पर रात से बारिश होने के कारण भी कुछ इसका यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो झाग सा उठ रहा है, बर्फबारी जैसा हो रहा है जैसे मसूरी में पहाड़ों पर होता था। प्राइम टीवी से रामपाल सैनी की खास रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, साथ ही लगातार बारिश भी हो रही है। बुरास, खंडा और धनौल्टी में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर यहां स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। धनौल्टी और उसके आसपास की पहाड़ियों के साथ ही बुरास, खंडा, सुबाखोली, लाल टिब्बा क्षेत्र में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लग रही है। तो वही बर्फबारी में पर्यटक जमकर थिरकते नजर आए। वही पर्यटन नगरी मसूरी में भी लगातार बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आ गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही मसूरी शहर में हिमपात हो सकता है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी हिमपात हुआ। केदारनाथ में बर्फ की 4 फीट मोटी परत जम गई है, जबकि सड़कों पर बर्फ जमा होने के कारण पहाड़ी जिलों में 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। इधर मैदानों में भी दिनभर बारिश होती रही। मौसम का मिजाज बदलने से समूचा उत्तराखंड कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हालांकि प्रमुख पर्यटक स्थलों में बाहरी राज्यों से आए सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठाया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का क्रम बना रह सकता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।